तो बात ऐसी है कि हमारे सामने हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आइको की तरफ से आइको 9 सीरीज लॉन्च होने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुका है। तो फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है और इंटरेस्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ठीक है, मेन बात यह है कि इस फ़ोन की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं। तो आंसर है ऑब्वियसली आप लोगों को वेट करना चाहिए, इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए वीडियो को आप लोगों को देखना पड़ेगा और आई थिंक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के दौरान और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला ये वाला वीडियो। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक। और हाँ, आज थोड़ा सा बाहर शूट कर रहा हूँ छत पे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कर देना और नीचे लाल रंग के बटन पे क्लिक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर ही देना। तो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडियन मार्केट में आइको 9 सीरीज में टोटल 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। एक है आइको 9 एसी, देन आइको 9 एंड आइको 9 प्रो। और हर एक फोन के फीचर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तगड़ा फीचर्स देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। और लॉन्च डेट की बात करें तो ये आने वाला 23 फरवरी को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। और खासकर इस फोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिलने वाला है। तो मेन बात यह है कि इस फोन की तरफ हम लोगों को क्यों जाना चाहिए, फीचर्स ऐसा क्या है जिसके लिए हम लोग इस फोन के लिए वेट करना चाहिए। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले इस फोन के अंडर द हुड यहाँ पर हम लोगों को स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 8 Gen 1 का परफॉर्मेंस कैसा है हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। और यहाँ पर ये गेमिंग परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन होने वाला है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन स्पीड है, हर एक GPU स्पीड की बात करो, CPU स्पीड की बात करो, ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करो, तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब आइको 9 सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस के लिए तो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला फ़ोन होने वाला है। तो अगर अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छे गेमिंग सेटअप वाला स्मार्टफोन चाहते हैं आप लोग, तो इस फ़ोन के लिए तो आप लोगों को जाना चाहिए। मतलब आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाला है ये आइको 9 सीरीज। देन इस फोन के बैटरी कैपेसिटी की बात करो तो यहाँ पर 4700 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। बट ये असल में कौन से वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब प्रो के अंदर मिलेगा या नॉर्मल 9 के अंदर या 9 एसी के अंदर, आई थिंक 9 प्रो की बात ही यहाँ पर चल रहा है। तो जो भी है, बैटरी कैपेसिटी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। और चार्जिंग सपोर्ट की बात करो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलेगा, मतलब 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू ओनली 6 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। देन इस फोन के डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर 2K E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ 120Hz रिफ्रेश रेट, ठीक है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस के अनुसार यहाँ पर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फीचर्स है आज के डेट में हर एक फ़ोन के लिए और खासकर गेमिंग स्मार्टफोन के लिए। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर 3D अल्ट्रासोनिक लार्ज फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा विथ एन इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप। मतलब ओवरऑल डिस्प्ले सेटअप की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और तगड़ा पैकेज के साथ डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इंटेलिजेंट तो बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब स्मार्ट डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोगों को। और कैमरा के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिल जाएगा, मतलब अच्छा सेटअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइको ने काम पे लिया है सैमसंग का ऑल न्यू IOS Cell G5 सेंसर को विद गिम्बल स्टेबिलाइजेशन। मतलब कैमरा के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो कुछ भी है ना, एक अच्छा पैकेज देखने को मिलेगा हम लोगों को। ओवरऑल यही सब कुछ की फीचर्स है जिसके लिए आप लोगों को इस आइको 9 सीरीज की तरफ जाना चाहिए। और आइको का जो लास्ट सीरीज था, जैसे कि आइको 8 तो इंडियन मार्केट पे अभी तक नहीं आया है, बट आइको 8 का एक वेरियंट तो हम लोगों को आइको 9 सीरीज के अंदर इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन सा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। और उससे पहले जो स्मार्टफोन्स निकल के आया था आइको की तरफ से, मतलब आइको 7 सीरीज की बात करें, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाला, चाहने वाला स्मार्टफोन रहा है हमारे इंडियन मार्केट पे, क्योंकि फ़ोन ही ऐसा था ना। तो जो भी है, ओवरऑल इतने बोलूँगा कि आप लोगों को तो इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए। और प्राइस की बात करूँ तो वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया, बट
40,000 के आसपास इसका प्राइस रहने वाला है और प्रो वेरिएंट का आई थिंक 40 से ऊपर जा भी सकता है, ठीक है। और जो भी आप लोगों को अपडेट मिलते रहेगा मेरे चैनल से, उसके लिए क्या करना है पता है, नीचे लाल रंग के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और शेयर तो आप लोग कर ही दोगे ना। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों को हेल्प हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बोलना। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।